Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video, we'll discuss the remaining part of The Straight Reveller, the poem by Matthew Arnold. Earlier we have seen the dialogue of Ulysses. Now we come to the Circe's dialogue. Circe says, "Hist, he wakes." Hist means keep pay attention. Hello बोलती है जैसे किसी को attract करने के लिए वैसे ही कि देखो, look. He wakes कि वो अब जग गया है नींद से. किसके लिए बोला? यूथ के लिए बोला है. बिकॉज यूथ वॉज इन स्लीपिंग कंडीशन और मे बी ही हैड ड्रंकन सम वाइन, दैट्स वाई ही वॉज इन स्लीपिंग कंडीशन. नाउ Circe says टू Ulysses कि वो अब जग गया. कौन? यूथ. दैट रेवलर. आई लोड हिम नोट ही द. मैंने क्या किया है? उसको लोर किया था. लोर मतलब उसको बहलाया था, फुसलाया था, या फिर उसको बहुत सॉफ्टली बोला था नॉट हीदर, कि वो इस तरफ नहीं आए और उस तरफ ही सो जाए, क्योंकि ही वॉज इन स्लीपिंग कंडीशन. Ulysses को वो बता रही है. ने आस्क हिम. ने मीन्स उसको डिनाई करी कि तुम उससे कुछ मत पूछना. आस्क हिम मीन्स कुछ भी मत पूछना. Now youth's dialogue, because he has awakened now, so youth says that who speaks, ki kisne bola, ye kahan se awaaz aa rahi hai. Who comes forth, ki kon aaya hai. To thy side, tumhari side, goddess. Ab wo Circe ko bol raha hai from within, means kahan se aaya wo. वो टेम्पल के अंदर से. Ulysses जब निकल के आता है तब उसके लिए बोला कि वो अंदर से आया, बाहर से नहीं आया, वहीं टेम्पल के अंदर से आया है. ये कौन है? ही वॉज आस्किंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट Ulysses. हाउ सेल आई नेम हिम, कि मैं कैसे उसको नाम दूँ, क्या मैं उसको नाम दूँ, किस नाम से उसको पुकारूँ. बिकॉज आई डोंट नो हिज नेम. दिस स्पेयर डार्क फीचर. अब Ulysses के लिए बोला है कि वो कैसा है. स्पेयर मतलब बहुत ज़्यादा एक एम्प्टी इमोशंस है उसके चेहरे पे. डार्क फीचर, उसके जो फीचर्स हैं जो उसके फेस पे दिख रहे हैं वो कैसे डार्क है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है. क्विक आइड स्ट्रेंजर. अब यह क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो यूथ है वो ये सोच रहा है कि शायद वो कुछ सोच रहा हो, डीप थिंकिंग में हो. क्विक आइड का मतलब होता है जो बहुत कीन साइटेड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हो हर चीज़ को, वैसा वो स्ट्रेंजर लग रहा है, जो हर एक चीज़ को कुछ एग्जामिन करता रहता है. आ एंड आई सी टू हिज सेलर्स बोनेट. अब वो बता रहा है कि उसने देखा. मैं क्या देख रहा है? हिज सेलर्स बोनेट. बोनेट होता है एक तरह के का हैट, जो कैप पहनते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में. जब 18th या 19th सेंचुरी में जो फीमेल होती थी वो एक तरीके से हैट पहनती थी जिससे उनका साइड का फेस कवर हो जाए, तो बोनेट वही है. और Ulysses ने भी वैसा ही कैप पहन रखी है, वैसे ही हैट लगा रखी है. यहाँ पे सेलर इसलिए बोला है बिकॉज हिज ड्रेस लुक्स लाइक अ सेलर वन. और Ulysses क्योंकि इसलिए बोला, Ulysses वॉन्डरिंग पर्सन था जो क्या है आइलैंड पे घूमता है ट्रोजन वॉर के बाद में, तो इस वजह से वो सेलर की तरह ही लुक्स लाइक अ सेलर. दैट्स वाई उसने क्या है, कैप पहन रखी है. हिज शॉर्ट कोट ट्रेवल टार्निश. अब यहाँ पे इंट्रो दिया जा रहा है यूथ के द्वारा कि हाउ Ulysses लुक्स लाइक. हिज शॉर्ट कोट कि उसने बहुत छोटा सा कोट पहना, ट्रेवल टार्निश कि उस पर ट्रैवलिंग के कुछ टार्निश्ड ये स्पोर्ट्स हैं, धब्बे हैं उस पर. विद वन आर्म बेयर, जिसमें से कोट पहना है लेकिन एक आर्म कैसी है, पूरी तरह से नेकेड है, और जिसपे उस पर कुछ भी क्लोथ्स नहीं है. आर्ट दाउ नोट ही. आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू, नोट ही क्या तुम वो नहीं हो. यहाँ पे यूथ पूछ रहा है किसके लिए, ही किसके लिए आया, पोएट के लिए यूज हुआ है, कि तुम वो नहीं हो जिसके लिए मैं देख रहा हूँ या जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ. होम फेम, जिसके लिए जो फेम है. दिस लॉन्ग टाइम र्यूमर्स, कि वो पोएट जो क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है किसके लिए, फेम के लिए. बस उसको भी कोई प्रसिद्धि मिले, लेकिन ही नो वन रिकॉग्नाइज हिम. दिस लॉन्ग टाइम र्यूमर्स, की बहुत टाइम से रूमर्स है कि उसको कोई भी पहचान नहीं मिली. द फेवर्ड गेस्ट ऑफ Circe, की
जो फेवर्ड गेस्ट है, फेवर मीन्स बहुत ज़्यादा उसका काइंडनेस पे निर्भर करता है। यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है, यूलिसिस के लिए बोला जा रहा है कि सर्सी जो क्या है बहुत ज़्यादा उस पर फेवर करती थी, किस पे, यूलिसिस पे। ब्रॉट बाय द वेव्स, जो आइलैंड पे आया था किसके द्वारा, वेव्स लहरें, जो सी की और ओशन की जो वेव्स है वो उसको उस आइलैंड पे लेके आई थी। आर दाउ ही, क्या तुम वही हो स्ट्रेंजर। नाउ यूथ डजंट नो हु द स्ट्रेंजर वॉज, नाउ ही वॉज आस्किंग दैट थिंग कि वो स्ट्रेंजर वही है जो वो सोच रहा है। द वाइज यूलिसिस, अब यूथ बता रहा है कि वो कौन है, वो वाइज यूलिसिस है। क्या वाइज मीन्स ऑनेस्ट पर्सन, हु फॉट फॉर द रिलीजन, नॉट रिलीजन वी कैन से फॉर ऑनेस्टी और फॉर सिवेलरी। यूलिसिस फॉट इन ट्रोजन वॉर बिकॉज यूलिसिस वॉज द हीरो इन दिस वॉर। लर्टीज सन, यूलिसिस के फादर का नाम है लर्टीज। नाउ यूलिसिस के अब डायलॉग आता है। नाउ दिस डायलॉग इज सुन, एंड दाउ एंड यू टू, तुम भी क्या हो स्लीपर। अब यहाँ पे यूलिसिस एलेग्री है, एलेग्री कैसे या फिर पन बोल सकते हैं। एक तो यूलिसिस ने अपना रियल नेम बताया कि ही इज़ अ यूलिसिस। सेकंड, उस यूथ को, उस स्लीपर को क्या बोला है, स्लीपर को बोला है यूलिसिस, तुम भी क्या हो यूलिसिस। बिकॉज यूलिसिस मीन्स हु इज़ अ वॉन्डरर, हु गोज फॉर अ लॉन्ग जर्नी, जो बहुत लंबी जर्नी के लिए जाता है उसको भी यूलिसिस बोला जाता है। जहाँ पे यूथ वॉज ऑन द जर्नी टू लुकिंग फॉर द पोएट, सो हेयर यूलिसिस से दैट कि तुम भी यूलिसिस हो। दाई वॉइस इज स्वीट, तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट है। इट मे बी दाउ हैस्ट फॉलोड, ये क्या है, शायद इसको फॉलो किया जाएगा या फिर इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन फ्यूचर। थ्रू द आइलैंड सम डिवाइन बार्ड, किन के द्वारा, वो जो आइलैंड पे कुछ डिवाइन बार्ड, बार्ड मीन्स पोएट, जो आइलैंड पे कुछ पोएट है रहते हैं वो तुम्हें फॉलो करेंगे इन द फ्यूचर। बाय एज टोट मैनी थिंग्स, जो ये एज है, ये जो ऐसा बोला जाता है कि एक्सपीरियंस जो है वो आपको सिखा देता हर एक चीज़। तो जो एज होती है वो ही आपको एक्सपीरियंस देती है, जैसे जैसे आपकी एज जाती जाती है वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता है। तो सब कुछ कैसे सीखा जाएगा, इस एज के द्वारा। यूलिसिस ने जितना भी एक्सपीरियंस लिया वो यहाँ पे वो शो कर रहा है। एज एंड द म्यूजेस, क्या चीज़ है जो हमेशा सिखाई जाती है या सिखाती है हमें लाइफ के बारे में, वो है एक एज और दूसरी है म्यूजेज। म्यूजेज का मतलब होता है जो हम सोचते हैं, थिंक केयरफुली, जो हम केयरफुली कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, वही दो चीज़ें हैं वो हमें सब कुछ सिखाती है। एंड हर्ड हिम डिलाइटिंग, और सुनते हैं, कौन सुनते हैं इनको, हिम किसके लिए आया है, यूथ या फिर उस स्लीपर के लिए, सुना जाता है डिलाइटली, मतलब बहुत खुशी से सबके सब उसको सुनते हैं क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो कैसी है, स्वीट वॉइस है। द चीफ्स एंड पीपल, कौन सुनते हैं और कौन खुश होते हैं, जो चीफ्स हैं जो आइलैंड पे रहते हैं वो सुनते हैं। पीपल इन द बैंक्वेट, कहाँ पे, बैंक्वेट, बैंक्वेट का मतलब है एक लार्ज हॉल जहाँ पे लोगों को एक तरीके से भोजन करवाया जाता है, जिनको मील दिया जाता है, फूड दिया जाता है, जैसे जैसे हम देखते हैं किसमें, मैरिज में, शादी में क्या होता है, वहाँ पे बैंक्वेट होता है, बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल का मतलब है जहाँ पे बहुत सारा गैदरिंग होती है, किसके लिए, फूड के लिए। तो जो पीपल है और जो जो वहाँ के चीफ्स है वो सुनते हैं। एंड लर्न हिज सॉन्ग्स, और उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं। ऑफ गॉड्स एंड हीरोज, वो सॉन्ग्स किसके होते हैं, गॉड के लिए होते हैं, और जो सिवेलरिक होते हैं हीरोज, जो हीरोज हैं उनके। ऑफ वॉर, किनके बारे में होते हैं, वॉर के बारे में, और आर्ट्स जो कला है उनके बारे में। एंड पीपल सिटीज, और किनके बारे में, वो सिटी जहाँ पे फुल ऑफ पीपल मीन्स बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग रहते, पीपल सिटीज का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। इनलैंड मीन्स अंदर की तरफ, मिडल में, कहाँ पे, इनलैंड होता है जो कोस्ट से बहुत दूर हो, बीच में, मिडल में हो उस आइलैंड पे, उस सिटी में। और बेल्ट,
बाय द ग्रेसी, या फिर वो जहाँ पे वो बिल्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं बाय द ग्रेसी, किनके द्वारा, ग्रेसी मीन्स, ग्रेसी का मतलब है डीप सी, या फिर पैसिफिक ओशन, या फिर अटलांटिक ओशन, वो क्या है, बहुत बिग हैं, ह्यूज हैं, इसलिए उनको ग्रे सी बोला है। इफ़ सो, ऐसा है, देन हेल, कि तब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तुम्हारा वेलकम करता हूँ। हियर यूलिसिस इज वेलकमिंग यूथ, आई ऑनर एंड वेलकम दी, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ और तुम्हारा वेलकम करता हूँ, दी मीन्स यू। नाउ यूथ का डायलॉग है, द गॉड्स आर हैप्पी, नाउ जो यूथ है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ पोएट, देन ही सेज, जो गॉड हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से, दे टर्न ऑन ऑल साइड्स, वो टर्न ऑन ऑल साइड का मतलब वो मुझ पर काइंडनेस दिखा रहे हैं, सब साइड से मुझ पर दया दिखा रहे हैं, देयर शाइनिंग आइज, और वो जो उनकी शाइनिंग आइज़ है वो मुझ पे ही है, उनकी नज़रें मुझ पे ही है, एंड सी बिलो देम, और वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो गॉड है वो कहाँ रहते हैं, स्काई में रहते हैं, और हम मोर्टल्स कहाँ पे हैं, नीचे नीचे अर्थ पे हैं, दैट्स वाई गॉड कहाँ पे, नीचे बिलो अर्थ पे देख रहे हैं, और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा काइंडनेस शो कर रहे हैं। द अर्थ एंड मैन, किन पे, जो अर्थ है और जो मैन है वहाँ पे वो देख रहे हैं, दे सी तिरसियास, नाउ दिस इज़ द माइथोलॉजिकल करेक्टर, तिरसियास यू कैन सी इन वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट, टी एस एलियट की जो लॉन्ग पोएम है वेस्ट लैंड, उसमें भी तिरसियास के बारे में बोला है, तिरसियास ये क्या था, ही वॉज द ब्लाइंड प्रोफेट इन थेब्स, और क्योंकि उसको कर्स मिला था तो ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ वुमन फॉर 7 ईयर्स, उसको 7 ईयर्स तक ट्रांसफॉर्म होना पड़ा विमेन में, उसके बाद में दोबारा से वो मेल बॉडी में आ गया था। और एक बहुत डिफरेंट स्टोरीज़ हैं तिरसियास को लेके ग्रीक माइथोलॉजी में, जहाँ में एक स्टोरीज़ किसको है, ईडिपस को लेके, जहाँ पे जो, क्योंकि जो तिरसियास है उसने प्रोफेसी की थी ईडिपस को लेके, अगर हम लिटरेचर में पढ़ते हैं ईडिपस को, ईडिपस कॉम्प्लेक्स को सोफोक्लिस ने लिखा था, सो ईडिपस को ये के लिए ये प्रोफेसी थी तिरसियास की कि ही विल किल हिज फादर, हिज ओन फादर, एंड विल मैरी हिज ओन मदर, ये तिरसियास ने एक प्रोफेसी की थी, और जिसकी वजह से जो थेब्स है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। सो ये वाली चीज़ है तिरसियास के लिए। तो गॉड है वो किसको देख रहे हैं, तिरसियास को देख रहे हैं, सिटिंग, जो तिरसियास है वो कहाँ पे है, बैठा हुआ है, क्योंकि ही वॉज अ ब्लाइंड, स्टाफ इन हैंड, स्टाफ का मतलब होता है एक स्टिक, एक लकड़ी जिसके सहारे हम चलते हैं, या फिर ब्लाइंड पर्सन चलता है, इन हैंड उसके हाथ में, ऑन द वॉर्म ग्रासी एसोफस बैंक, किस पे, बहुत ज़्यादा वॉर्म है ग्रासी, जहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, एसोफस क्या, एक रिवर है ग्रीस में, थेब्स में, उसके किनारे पे जो तिरसियास है वो बैठा हुआ है, उसकी तरफ कौन देख रहे हैं, गॉड देख रहे हैं, हिज रोब ड्रॉन ओवर, और जो उसका रोब है मीन्स जो उसने क्लोथ्स पहने हुए हैं वो ड्रोन मीन्स बहुत लूज है, वो नीचे की तरफ लटके हुए हैं, ओवर हिज ओल्ड साइटलेस हेड, कहाँ पे है वो, उसने एक जो क्लोथ्स है उसके सर पे भी है, साइटलेस हेड का मतलब है जो उसको दिखाई नहीं देता, बिकॉज ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन, रिवॉल्विंग इनली, रिवॉल्विंग का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कौन है, एक पर्सन है, इसके ऊपर ये क्लोथ्स हैं, तो ये क्लोथ्स कैसे हैं, इस तरीके से है, ये पूरी तरीके से उसने ढक रखा, और ये ऐसा लग रहा है कि वो इसके आर बार के रिवॉल्व कर रहे हैं। इनली का मतलब इनर पार्ट, इनर पार्ट का मतलब ये जैसे यहाँ पे पूरी बॉडी हो गई, तो इनर पार्ट यहाँ पे पूरा क्लोथ्स आ रहे हैं उसके, दैट इज़ द रिवॉल्विंग इनली, द डूम ऑफ थेब्स, क्या देखा जा रहा है गॉड के द्वारा, कि जो थेब्स पूरी तरीके से कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, डूम का मतलब है डिस्ट्रॉय, या फिर जो टेरिबल इवेंट हुआ था ईडिपस के लिए जो प्रोफेसी की थी उसमें पूरा थेब्स है वो कैसे हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, वो सब दिखाई दे रहा है, वो सब कौन देख रहे हैं, गॉड देख रहे हैं ऊपर से। दे सी द सेंटर्स, अब
यहाँ पे अनदर करेक्टर कौन है, सेंटर्स, दे मीन्स गॉड देख रहे हैं किसको, सेंटर, सेंटर कौन है, एक पर्सन ग्रीक माइथोलॉजी में जिसका हेड और जो आर्म्स है या फिर अपर बॉडी है वो कैसी है, ह्यूमन बीइंग की है, बट जो लेग्स हैं वो कैसे हॉर्स के हैं, तो इन द अपर ग्लैंस, कहाँ देख रहे हैं उसको, अपर ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब वो जो वैली है, वो जो घाटी है, अपर ग्लैंस का मतलब वो तंग घाटी है, वहाँ पे वो कौन है, सेंटर, अपर मीन्स ऊपर की तरफ, घाटी में ऊपर की तरफ ऑफ पेलियन, पेलियन क्या है, एक माउंटेन है, वहाँ पे ही ये वैली है, जो सेंट्रल जो ग्रीस है उसमें एक माउंटेन है पेलियन, साउथ ईस्ट में वहाँ पे सेंटर्स देखा जा सकता है, इन द स्ट्रीम्स, कहाँ पे, स्ट्रीम जो रिवर है उसकी स्ट्रीम में, वेयर रेड बैरिड एसेस फ्रिंज, जहाँ पे रेड बैरिड एसेस, ये क्या है, एक तरीके से रेड बेरीज एक प्लांट है, एसेस फ्रिंज मीन्स उनकी शाखाएं लटकी हुई है और उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, द क्लियर ब्राउन शैलो पूल्स, और वहाँ क्या है, क्लियर ब्राउन शैलो पूल्स की जो पूल्स है मीन्स तालाब है, शैलो मीन्स वो थोड़ा ब्राउनिश कलर में है, उसमें बहुत सारा कीचड़ है, वहाँ पे वो क्या है, रेड बेरीज है, वहाँ पे कौन है, सेंटर्स है, विद स्ट्रीमिंग फ्लैंक्स, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है जो धारा बह रही है, फ्लैंक्स मीन्स वो जो पार्ट है उसका, रिवर का पार्ट है उसमें, एंड हेड्स रियर प्राउडली, और सेंटर है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे अपने हेड को हाई करके रियर प्राउडली मीन्स अपना जो जो उसके लेग्स हैं उन पे वो क्या कर रहा है, प्राउडली खड़ा हुआ है, स्नफिंग द माउंटेन वाइंड, स्नफिंग में, स्नफिंग का मतलब कि वो स्मेल कर रहा है, वो जो फ्रेश हवा है माउंटेन पे वो ले रहा है, दे सी द इंडियन, नाउ हियर इंडिया इज द इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंडिया वॉज द लैंड ऑफ मिरेकल दैट टाइम, जब मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था उस टाइम पे इंडिया के लिए ऐसा जूम किया जाता था यूरोपियन के लिए कि ये क्या है, स्नेक चार्मर्स, चार्मर्स का लैंड है, जहाँ पे सेज और सैंड्स रहते हैं, जहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे गॉड रहते हैं, कहने का मतलब, तो देसी जो गॉड है वो देख रहे हैं इंडियंस को, ड्रिफ्टिंग जो क्या है, ड्रिफ्टिंग, जहाँ इंडियन क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो लैंड है पूरा किसका है, सेज और सैंड्स का है, और जो साधु संत है वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, तो ड्रिफ्टिंग का मतलब घूमते रहते हैं, घुमक कर, नाइफ इन हैंड, और जिनके हाथों में क्या है, नाइफ, या नाइफ का मतलब है जो तलवार है, सोर्ड है, उसके लिए बोला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ब्रेव लोग थे जो क्या है, एक सिवेलरिक पर्सन की तरह थे, और बहुत सारी ट्राइब्स थी इस वजह से, जिनके हाथों में क्या था, भाला, और भाले को ही क्या बोला यहाँ पे, नाइफ, हिज फ्रेल बोट मूड, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडियन की बात की है, जिसकी जो बोट है फ्रेल मीन्स बहुत वीक सी जो बोट है, मूड टू, मूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, अ फ्लोटिंग आइल, आइल थिक मेटेड, कहाँ पे फ्लोट कर रही है, आइल में स्मॉल आइलैंड के, थिक मेटेड मतलब वो जो वहाँ पे जो ग्रासी लैंड है उस पर वो बोट है, विद लार्ज लिव्ड, किससे बनी हुई है, लार्ज लिव्ड से बनी हुई है मीन्स बहुत बड़े तक से बनी हुई है, बहुत बड़े वुड से बनी हुई है, लो क्रीपिंग मेलन प्लांट, और उस आइलैंड पे क्या है, लो क्रीपिंग मेलन प्लांट है, क्रीपिंग का मतलब जो हम देखते हैं बेल होती है जो जिसपे फ्रूट्स लगते हैं, वो क्या है, जिसपे मेलन लग रहे हैं, वाटर मेलन है, वो प्लांट्स लगे हुए हैं उस आइलैंड पे, एंड द डार्क कुकुम्बर, और वहाँ पे क्या लगी हुई है, कुकुम्बर्स लगे हुए हैं, ग्रीन ग्रीनरी है जहाँ पे, ही रीप्स एंड स्टोर्स देम, वो क्या कर रहा है, रीप कर रहा है मीन्स जो फसल है वहाँ की, जो ग्रोथ हो चुकी है, ग्रो हो चुकी है, उन सबको काट रहा है, रीप कर रहा है, एंड स्टोर्स देम, और उनको क्या कर रहा है, स्टोर्स मतलब एकदम अच्छे से उनको रख रहा है, स्टोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, और जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको काम में ले ले, दैट इज स्टोर्स, तो जो वाटरमेलन के प्लांट है या फिर कुकुम्बर है उन सबको क्या करना है, उनको रीप कर रहा है और उनको स्टोर्स कर रहा है मीन्स उनको रख रहा है बहुत केयरफुली, ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग राउंड हिम,
वो क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है राउंड हिम मीन्स एक गोलाई में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए, तो यहाँ से रीप करता हुआ करता हुआ करता हुआ इस तरीके से वो रीप कर रहा है, इसलिए वो राउंड राउंड हिज ग्रीन हार्वेस्ट प्लॉट। वो क्या है, वहाँ पे घूम रहा है उस ग्रीन हार्वेस्ट प्लॉट में। फ्लो द कूल लेक वेव्स, जहाँ पे जो लहरें हैं वो कैसी कूल हैं, किसके लेक की जो वेव्स हैं। द माउंटेन्स रिंग देम, और उनके चारों तरफ माउंटेन है, माउंटेन सीरीज है। दे सी द सिंथियन, नाउ दिस इज द ऑल्सो थिंग दैट सिंथियन, सिंथियन क्या है, जो सिंथिया के लोग हैं। सिंथिया भी एक ग्रीक में एक प्लेस है या फिर एक सिटी है, वहाँ के लोगों के लिए बोला। अब उनके करेक्टरिस्टिक्स बोला है यूथ ने कि जो गॉड है किसको देख रहे हैं, सिंथियन लोगों को देख रहे हैं। ऑन द वाइड स्टेप अन हार्नेसिंग, कहाँ पे देख रही है, वाइड स्टेप मतलब कि वो स्टेप का मतलब बड़े बड़े पैरों से या फिर बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। कौन, सिंथियंस। अनहार्नेसिंग का मतलब अनकंट्रोल्ड है वो, मीन्स ऐसे लग रहे हैं कि शायद वो किसी वॉर के लिए जा रहे हो। हिज विल्ड हाउस एट नून, उसकी जो हाउस है वो कैसे हैं, विल्ड हाउस। विल्ड हाउस का मतलब है कि पहले वो पक्के घर तो बनाते नहीं थे, कैसे थे, घुमक्कड़ टाइप के थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो वो किन पे रहते थे, हॉर्स पे या फिर बैलगाड़ी पे बोल सकते हैं। तो एट नून, एक नून में वो जा रहे हैं वाइड स्टेप से, अनहार्नेसिंग मीन्स अनकंट्रोलेबली। ही टेथर्स हिज बीस्ट डॉन, यहाँ पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है कि टेथर, टेथर का मतलब है कि किसी एनिमल को किसी रोप से बांध देना, टाई एन एनिमल, किसी एनिमल को बांधना। हिज बीस्ट डाउन, यहाँ बीस्ट किसके लिए बोला, एनिमल के लिए बोला, लेकिन एनिमल कैसा, बहुत लार्ज हो, जो बहुत वाइल्ड एनिमल हो, उसको किसे टेटर कर रखा, उससे उसको रोप से बांध रखा है। एंड मेक्स हिज मील, और वो क्या कर रहा है, उसके लिए मील बना रहा है, मीन्स उसको कुछ खिला रहा है। मेयर्स मिल्क, क्या कर रहा है, उसको क्या दे रहा है, मेयर का, जो मेयर है हॉर्स की जो फीमेल है वो कौन है, मेयर के जो मिल्क और ब्रेड उनको बेक किया जा रहा है। ऑन द एम्बर्स, एम्बर होता है जो वुड फायर होती है या फिर कोल की जो फायर होती है, मींस जो अंगारों पे उनको बेक किया जा रहा है। ऑल अराउंड मींस चारों तरफ वो दिखाई दे रहा है। द बाउंडलेस वेविंग ग्रास प्लेन्स स्ट्रेच थिक स्टार्ड, बाउंडलेस का मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है, जहाँ उस आइलैंड की मींस बहुत ह्यूज में है। वेविंग ग्रास प्लेन्स, पूरा का पूरे उस आइलैंड पे ग्रास फैली हुई है, स्ट्रेच थिक स्टार्ड। नाउ इवनिंग का टाइम है, इवनिंग टाइम, दैट्स वाई थिक स्टार्ड का मतलब सब जगह क्या आ गए, स्टार्स आ गए हैं। विद सेफ्रन एंड द येलो होली हुक, किस तरीके से वो स्टार्स ऐसे लग रहे हो जैसे सेफ्रन और येलो कलर में क्या हो, होली हुक। होली हुक है यूरेशियन जो प्लांट है, किस तरीके के लगते हैं, मेलो फैमिली के, जो एक तरीके का फ्रूट होता है उनको बोलते हैं होली हुक, जो यूरेशियन है उन लोगों, उन प्लांट्स की तरह लग रहे हैं वो पूरा का पूरा आइलैंड। एंड फ्लैग लीव्ड आयरिस फ्लावर्स, और वहाँ पे क्या लगे हुए हैं, फ्लैग लीव्ड का मतलब जो स्ट्रेट लीव्स होती हैं, जैसे ये जो लीव्स हैं इनको क्या बोला जाता है, फ्लैग लीव्स बोला जाता है। आयरिस फ्लावर्स, आयरिस एक तरीके की ये भी क्या है, एक फ्लावर है। सिटिंग इन हिज कार्ट, ये जो फ्लावर्स है ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल। सिटिंग इन हिज कार्ट, वो किस में बैठा हुआ, अपने कार्ट में बैठा हुआ है। ही मेक्स हिज मील, अपना मील, अपना फूड बना रहा है। बिफोर हिम फॉर लॉन्ग माइल्स, उससे पहले बहुत लंबी दूरी पे, अलाइव विद ब्राइट ग्रीन लिजार्ड, वहाँ लंबी दूरी वो पार करके आया है, वहाँ पे क्या देखा जा सकता है, ग्रीन लिजार्ड्स देखा जा सकता है। यहाँ पे नेचर की जो ब्यूटी है उसको शो किया कि हर जो आइलैंड है, हर जो कंट्री है उसकी ब्यूटी कहाँ पे शो हो रही है, दैट इज शोइंग इन दिस पोम। एंड द स्प्रिंगिंग बस्टर्ड फाउल, द ट्रैक अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन,
या बस्टर्ड, बस्टर्ड भी एक तरीके का बर्ड है, फॉल का मतलब भी एक तरीके की बर्ड है, दोनों कैसी है, स्प्रिंगिंग वर्ड है, मीन्स स्प्रिंग टाइम में बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे उस आइलैंड पे, द ट्रैक अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन, और वहाँ जो ट्रैक है मीन्स जो रास्ता है वो कैसा स्ट्रेट ब्लैक लाइन में है, मीन्स अब अंधेरा इवनिंग टाइम में सब कुछ क्या है, अंधेरा हो रहा है, जिस वजह से सब कुछ क्या लग रहा है, ब्लैक लग रहा है। फरोस द रिच सॉयल, और वहाँ पे क्या है, पूरा लैंड कैसा है, फील्ड है जहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, तो वहाँ कैसी है, फरोज है, मीन्स जो फार्मिंग लैंड होती है, फील्ड होती है, उसमें क्या करते हैं हम, जो जुताई करते हैं या जो फार्मर जो फरोज करते हैं, मीन्स एक तरीके से जो लकीरें होती है, इस तरीके की लाइंस होती है, उनको फरोज बोला जाता है, द रिच सॉयल, क्योंकि वो फर्टिलाइजिंग सोल है, इस वजह से उस के ऊपर क्या है, फरोज, हियर एंड देयर, हर जगह क्या है वो फरोज है। क्लस्टर ऑफ लोनली माउंट्स, और क्लस्टर बने हुए, क्लस्टर मतलब एक तरीके से ग्रुप बने हुए हैं छोटे छोटे ऐसे, ऑफ लोनली माउंट्स, माउंट होते हैं जो टीला, मिट्टी का जो टीला है वो बना हुआ है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, टॉप्ड विद रफ ह्यून, मीन्स सबसे ऊपर उनके ऊपर विद रफ ह्यून, ह्यून होता है एक तरीके से वुड या फिर एक स्टोन है उसको बोला गया है ह्यून, दैट हैज़ बीन कट विद अ टूल सच एज एन एक्स, कि उस पर ऐसा कुछ वुड या फिर स्टोन का कुछ ऐसा पत्थर उन टीलों पे रखा हुआ है जिनको कट कर किया जा सकता है किससे, कुल्हाड़ी से, इसका मतलब हर एक टीलर टीले पे उन जो लोग हैं उन्होंने क्या रख दिया है, उनके फेथ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें रख दी है जिनको वो क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं या फिर उनको प्रे करते हैं, इस तरीके से। ग्रे रेन ब्लियर स्टेचूज ओवरपियर, वो कैसे हैं, ग्रे कलर में है, रेन ब्लियर, ब्लियर का मतलब होता है जो डल हो, रेन मीन्स अगर वेट भी हो जाए तो भी बहुत डल से लगे, मीन्स उनमें कोई चमक नहीं हो, क्योंकि वो वुड से बने हुए हैं या फिर स्टोन से बने हुए स्टेचूज हैं वो, ओवरपियर मीन्स राइज, वो जैसे That is the mound. ये पूरा mound है, इसके ऊपर एक statue लगा दिया है, वो क्या है, overpeer. Overpeer का मतलब है rise, means ऐसा लग रहा है कि वो अभी जिंदा हो जाएगा या फिर एक god की तरह उसको पूजा worship किया जा रहा है, इस तरीके के statues है सारे mounds पे। The sunny waste, वो कैसे लग रहे, sunny waste लग रहे, सनी वेस्ट का मतलब धूप में भी उनमें एक चमक नहीं है, एक डलनेस है, दैट इज़ द सनी वेस्ट ऑफ दैट स्टैचूज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।